एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इम्तियाज अली एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूँ। देखते हैं आज की खुसूसी खबर। Occasion not only for the peace ambassador, the person who all gather over here, is very essential to each and everybody to know what is the peace and how to achieve the peace and who is to become the peace maker, to live in peace. That is a very important thing. We can talk, we can imagine, or we can elaborate a lot of things. But doesn't mean that the peace can achieve in such a way. Either we not compelled with some special activities. So it is my humble request who are listening me to be honestly, we live in the sphere. We have to be close with everybody, love everybody, patiently. If you have a patience, we have to listen. When we listen, we will understand. We will understand, we will communicate. We will communicate, the people will know more about that. So, such a way, we will make the peace in from... बोलती हूँ, मदर फादर को मत छोड़िए, अपने साथ रखिए। जिस दिन वो चले गए, उस दिन आप लोग बहुत पछताएंगे, लेकिन फ़ायदा नहीं है। जिंदगी होते हुए ही पेरेंट्स को अपने साथ दीजिए और उनके साथ अमन पेश आइए। पीसफुल से मदर फादर के साथ रहिए। और आजकल जनरेशन मदर फादर को बहुत टॉर्चर करता है, प्रॉपर्टी के लिए और घर के लिए, बहुत चीज़ों के लिए मदर फादर को मारना, मदर फादर को गालियाँ देना। प्लीज़ मेरा विनती है, मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज़ मदर फादर को इज्जत कीजिए, उनको मारे मत, उनको गाली ना दें और उनको खिदमत कीजिए, उन लोगों को सेवा कीजिए जब तक वो जिंदा है। ये मेरा मैसेज है सब नौजवानों के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी नौजवान हैं वो शादी करने के बाद, बीबी आने के बाद अपनी माँ को भूल जाते हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। एक दिन आपकी बीबी भी माँ बनेगी। जिस दिन उसके साथ जो आपने माँ के साथ किया, अगर वो आपकी बीबी के साथ करेगा तो आपको पता चलेगा। तो इसीलिए मेरा विनती है, दर्जा माँ का दर्जा दीजिए, बीबी का दर्जा दीजिए, सेम ऐसी बेटी का भी दर्जा दीजिए। औरत का दर्जा सबसे ऊंची होती है, औरत की माँ की पैरों में जन्नत होती है, ये इस्लाम में कहता है। मेरा नाम ऐश्वर्या लक्ष्मी है, आप लोग जानता हैं, बट इस्लाम यही कहती है कि माँ की पैरों में जन्नत है। तो पीस का मतलब है अमन, अमन का मतलब है प्यार, प्यार का मतलब है इज्जत करना लोगों को, और सबकी सोसाइटी को, स्टेट को, देश को, हमारे अड़ोस पड़ोस लोगों को, हमारा परिवार को, हमारे यार दोस्तों को इज्जत से पेश आइए, सबको प्यार बांटिए, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहिए। यही मेरा मैसेज है आज नौजवानों के लिए। थैंक यू वेरी मच, आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू वेरी मच टू UPF फॉर रिसीविंग दिस होनरेबल पीस एम्बेसडर। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मैं किस्टा रेडीपेट विलेज से हूँ, पटनचोर मंडल अमीनपुर मंडल संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है। मैं वहाँ का डिप्टी सरपंच हूँ। तो अल्लाह के करम से, अल्लाह के रसूल के करम से, अल्लाह ताला जो है ना मेरे को ये काम के लिए जरिया बनाए। इस लॉकडाउन में चैरिटी का काम बहुत बढ़िया, बहुत लोगों के ज़रिए बहुत लोग बोले कि भाई ये काम अच्छे अच्छे से नहीं होता, अल्लाह तेरे से कराए। उसके बाद बहुत लोग करे, तो मेरे को बहुत खुशी की बात है कि मेरे अल्लाह ताला कराए सबके लिए। ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सख ने, सबके लिए, सब जनों को जरिए बनाए। उसके बाद मेरे को ये बुला के पीस एम्बेसडर दिए। कैसा लगा सर आज आपको? आज बहुत फ़ख्र हुआ कि हमारे किस्टा रेडीपेट गाँव में से पला बड़ा, वहाँ से निकला, तो आज मेरे को पीस एम्बेसडर जब दिए तो ये ख्वाब है सच है, देखने थोड़ी देर के लिए तो ख्वाब की तरह दिखा, पर हकीकत है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, सबके दुआएं हैं। और मेरे को UPF
के लिए किताबी शुक्र अदा अल्लाह के रसूल का करूँगा। उसके बाद जो है ना हमारे मौलाना रहमान साहब, ऐश्वर्या जी और नजीब डॉक्टर नजीब साहब, और उसके बाद तमाम आग्नेशना जो मैनपल्ली हनुमंतराव अन्ना और बाकी के MLA राजन्ना और बाकी IPS साहब आए थे, बाकी के लोग आए, और नवाब क्या नाम इकबाल साहब सॉरी बरकत आलम और उनके डैड और बाकी ये लोग भी तकरीबन लोग आए। बहुत खुशी हुई सुन के। तो आज ऐसा मौका हर किसी को अल्लाह ताला अता फरमाए, हर किसी को ज़रिया बनाए। तो आज पीस एम्बेसडर बनने में आज हमारे रहमान साहब बहुत ये करे, उसमें मेरे हजरत वहाँ से नूरी भई है अम्मा जान बाबा जान से, तो हम नेल्लूर से है ज़ात और दरगाह खान से, तो उन्होंने भी मेरे हजरत आए हुए थे आज, और मेरे भाई रहमान साहब भी बहुत ये करे, और ये मेरे के पोस्ट मिलने की वजह रहमान साहब है। तो उसके बाद जो है ना ऐश्वर्या जी है, लक्ष्मी ऐश्वर्या जी, उसके बाद हमारे डॉक्टर नजीब साहब बहुत ये करें हमारे लिए, डॉक्टर नजीब और रहमान साहब और तमाम ऐश्वर्या जी और डॉक्टर नजीब साहब और ऐश्वर्या जी तमाम इन लोगों के कितना भी करे तो अल्लाह के रसूल का शुक्र अदा। उसके बाद तमाम आयत वालों के लिए करूँगा, आप आइए मुझे, उसके बाद सबका करूँगा, और आगे चल के मेरे से कई लोगों को ना उनके हाथ पे बने बल्कि दुआ करूँगा इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छा दिखा, और आगे चल के हर किसी को भी, मतलब हर किसी को बोल, तो जो भी इसमें सोशल चैरिटी वर्क करने के लिए सामने आते उनके तमाम लोगों के लिए भी, तो मेरे को एक खुशी की बात है कि हमारे गांव से किस साइड बेड से डिप्टी सरपंच बनो, उसके बाद आज पीस एम्बेसडर हूँ, तो अच्छा दिख रहा। तो उसके लिए सबकी दुआएँ हैं, अल्लाह के रसूल का करम है। मैं भी 1-4 हज़ार आदमी हो सकता, 5 हज़ार है। किस तरह के खिदमत रहे सर? मेरे कुछ भी नहीं भाई, अल्लाह ज़रिया बनाए जहाँ भी है ये लॉकडाउन के टाइम पे, और बाकी की तो अल्लाह ताला खुद फरमाए, बनमुठी की करना है कहीं बता लेना नहीं है। और ये टाइम पॉलिटिशियंस में था, वो तो पूरों को एक्सपोज होने की वजह से वो मैं उतना ही फ़ोटो बताया, ऐसा तो अब अल्लाह ज़रिया बना रहे, बनाते आ रहे, बनाते हैं इंशाल्लाह ताला। नहीं हर हमेशा अल्लाह ज़िंदगी जब तक बाकी रखे सबके लिए भी अजर पहुँचेगा, जैसा मेरे को रहमान साहब हमारे भाई, और उसके बाद ऐश्वर्या जी, उसके बाद मेरे डॉक्टर नजीब साहब जो है इल्लो हमें कह करे और वो वक्त दिए, वैसा अल्लाह के करम से वो ऐसी खिदमत करने का मौका मिला, तो इंशाल्लाह बरकरार हर हमेशा मैं नहीं और मेरे से कई लोग अल्लाह ताला बनाएंगे उनको नजीब साहब जरिया। क्या मैसेज रहेंगे आज आपका सब लोगों के लिए, मतलब नौजवानों के लिए, आज की सबके लिए बोल रहा हूँ। अब हम बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ मैं, जैसा मैं बोला ना आपकी से पहले तो किसरा डिपेट से हूँ, डिप्टी सरपंच बनूँ तो बहुत खुश हुआ था, आज वर्ल्ड वाइड का मतलब पीस एम्बेसडर मिल गया, तो मेरे जैसे कई लोगों की ख्वाहिशें हैं, तो अल्लाह चाहे तो उन लोगों को भी जो मंजिल छोटा मोटा गली के एक पॉलिटिक्स करे तो दुनिया का खुश रहते, ऐसा मिलने के लिए सबकी किस्मत नहीं, पर सबके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह, ऐसा हर कोई आदमी बने बल्कि जो। थैंक यू वेरी मच सर। कुछ गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वर्ल्ड इंटरनेशनल पीस एम्बेसडर जैसा मेरे को चुना है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैडम ऐश्वर्या मैडम फ्रॉम दिल्ली, और बहुत सेलिब्रिटीज़ यहाँ आ चुके हैं, तो इसमें मेरा भी पार्टिसिपेट करना बहुत खुशी लग रहा है। एंड थैंक यू सो मच टू मैडम एंड नज़ीर, डॉक्टर नज़ीर सर, ही इज़ आल्सो वन ऑफ दी पार्ट दिस इसमें है, और इसके बारे में क्या फील करें जो प्रोग्राम जो आए थे आप क्या फील करें बताइए, अच्छा प्रोग्राम था आज? या डेफिनेटली अच्छा प्रोग्राम है, और बहुत लोग को मिल चुका हूँ यहाँ पर, और ये पैंडेक में बहुत लोग को सर्विस भी दिए हैं, वो लोग भी आ चुके हैं यहाँ पर, और ये पैंडेक में मैं भी बहुत सर्विस किया, 1100 आपकी कौन सी थी बताइए, 1100 फिल्म किया, सब अच्छा फिल्म है, आपको कौन सी पसंद है? सब डायरेक्टर टॉप डायरेक्टर, नहीं नहीं एक फिल्म ने एज ए हीरो एक्टेड 55 मूवीज, as a comedian, as a character artist, I acted more than 1100 movies. I acted 5 languages in Telugu, Tamil, Hindi, Malayalam, Kannada. Now I am doing one Hollywood movie also. And in the future, that is Abdul Kalam autobiography. Yes, yes. So, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मेरे को मिला है, एंड थैंक यू सो मच। नौजवानों के लिए यस यस मैसेज नौजवान के लिए मैसेज ये है कि फील ए फैमिली, ए फादर मदर, उन लोग का दुआ लीजिए, और उन लोग को मत छोड़िए, साथ में
तो मेहरबान करके बहुत लोग को मैं यूथ को ही मैं एड्रेस देता हूँ, वो लोग के पेरेंट्स को आप प्यार दीजिए और प्यार लीजिए। सबसे अच्छा मैसेज जो है हमारे अली साहब ने बताया कि जिस तरह से पेरेंट्स को जो है हेल्प करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। Exactly. आज बहुत अच्छा मैसेज दिया साहब, क्योंकि आज के नौजवान नस्ल जो है पेरेंट्स को छोड़कर जो है बैठी हुई है, कई जगहों पे जो है नोवेर किया जा रहा है, तो बहुत अच्छा मैसेज दिए। इसको जो है आवाम कबूल करते हुए आपके मैसेज को जो है कबूल करके एक्सेप्ट करके इसको जो है प्रमोट करना चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक्टिव न्यूज चैनल, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एडिटर मोहम्मद इम्तियाज अली। For more details and advertisement on this channel, please contact on this number. And do not forget to like, share and subscribe our channel.